ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान वाच, हम सभी भगवान के रॉयल बच्चे हैं। उसने हमें अथाह खुशियों का खजाना दिया है, ड्रामा का गुह्य ज्ञान दिया है और कहा है तुम मेरे साथ सदा कैसे रहो, और यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे पास डबल फोर्स काम करेगा, तुम्हारे कार्य सहज हो जाएंगे, मुझे अपना साथी बना लो तो मैं तुमसे कंबाइंड रहूंगा और ये कंबाइंड का फोर्स संसार की किसी भी समस्या या विघ्न को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। तो ये जीवन एक सुंदर खेल है, इस खेल को हमें एंजॉय करना है और अब तो भाग्य बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय चल रहा है। हमें कहीं भी अलबेलेपन में इस अनमोल समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। ध्यान दें, कोई भी बात हमारी खुशी को गुम न करे। हमारी खुशी बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ी दौलत है। लोग इस खुशी के लिए कितना धन खर्च करते हैं, परंतु खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है। ये जान लेने से यदि हम अपने स्वभाव को ही ऐसा बना लें कि हमें तो सदा खुश रहना है, तो बहुत सुंदर अनुभूतियाँ होंगी। मनुष्य के जीवन में बातें आती हैं, चली जाती हैं। समझ लो ये बातें जाने वाली हैं, ये भगवान वाच है, क्योंकि रामा का खेल सदा ही गतिमान है, इसमें प्रतिपल सीन बदल रहे हैं। तो बातों को जाने दो, हम उन्हें पकड़े नहीं तो वो ठहरेंगी भी नहीं। हम पकड़ लेते हैं, उन्हें ठहरा देते हैं, वो जाना चाहती हैं तो वो भी परेशान होकर हमें परेशान करती हैं। इसलिए बातें बड़ी नहीं है, बड़ी तो हमारी खुशी है। हमें किसी भी कीमत पर छोटी छोटी बातों के कारण, मूल्यहीन बातों के कारण अपनी खुशी को नष्ट नहीं करना है। हमारी खुशी अनमोल खजाना है, क्योंकि हम इस सृष्टि की जड़ें भी हैं। यदि हम खुश रहते हैं तो हमारी खुशी के वाइब्रेशंस संसार में अनेक मनुष्यों के दिलों में खुशी का संचार करते हैं। इसलिए महत्व अपनी खुशी को न दें, महत्व दें अपनी महत्व बातों को न दें, महत्व दें अपनी खुशी को। बातों को महत्व देने से हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। सभी बातें मूल्यवान नहीं होती, मूल्यहीन भी होती हैं। तो हम सभी ध्यान दें, इस अव्यक्त मास में सदा हम यही कहें, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है। जो कुछ हम बार बार सोचते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं। तो ऐसा ही सोचो, जो कुछ हो गया वो भी अच्छा था, कहीं ना कहीं उसमें कल्याण समाया था, और जो होगा वो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारा वर्तमान अच्छा है। अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाए तो भी सदा दिल से यही बोलना है कि बहुत अच्छा होगा। अपने चित्त में ये बात सदा के लिए समा लें कि मेरे साथ अब से जो कुछ भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो आप देखेंगे, अगर कोई खराब होने वाली बात भी होगी वो भी अच्छाई में बदल जाएगी, क्योंकि भगवान वाच है। तुम यही कहो सब कुछ अच्छा होगा तो बुरा होने वाला भी अच्छे में बदल जाएगा। हमारे अंदर ये क्रिएटिव एनर्जी है, इसको हम पहचाने और अपना मन ऐसा हल्का कर दें कि सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा विश्वास से युक्त कर दें कि सब कुछ अच्छा होगा तो अच्छा हो जाएगा। तो आज सारा दिन हम अव्यक्त मिलन मनाएंगे,
हर घंटे में एक बार तो बाप दादा का आह्वान करेंगे और एक बार चलेंगे सूक्ष्म लोक में उनसे मिलन करने, उनसे गले मिलने, उनकी दृष्टि लेने, उनके साथ रास करने। ओम शांति।